अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, क्लास 9 साइंस, चैप्टर 8 मोशन। आगे वाले वीडियोस में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को वर्कशीट सेंड किया था, आप लोगों ने वो कम्प्लीट कर लिया है। सो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कम्प्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। सी, टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड अगर उसको सेकेंड में हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो 140 सेकेंड हो जाता है, जैसे कि 1 मिनट के 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट का 60 + 60 120 सेकंड हो गया, और 20 सेकंड को ऐड कर दें हम तो हो जाता है 140 सेकंड। सी, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, देन 2 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच? सो 2 मल्टीप्लाई अगर हम 60 करते हैं तो हमारा हो जाता है 120 सेकंड। अभी 120 में हम 20 सेकंड ऐड कर दे बिकॉज हमें कहा है 2 मिनट और 20 सेकंड का। सो 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकंड। चलिए, रेडियस अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में रेडियस तो कहीं पर दिया ही नहीं है, लेकिन डायमीटर हमें दिया है। तो डायमीटर है हमारा 200 मीटर। अभी डायमीटर से हमको रेडियस अगर फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला होता था रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड 2। तो हमें डायमीटर 200 मीटर दिया है तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो हमारा 100 मीटर जो है वो रेडियस हो गया, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है रेडियस इज इक्वल टू 100 मीटर। सी, इन 40 सेकंड द एथलीट कंप्लीट वन राउंड। 40 सेकंड में वो वन राउंड कंप्लीट कर रहा है। सो इन 140 सेकंड द एथलीट विल कंप्लीट इज इक्वल टू, तो हम 140 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 राउंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकंड इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाई बाई 3.5 इज इक्वल टू 2πr। पाई की वैल्यू हमारी 22/7 है या फिर 3.14। यहाँ पर हम 22/7 लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3.5, आर की वैल्यू हमारी 100 है, इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने पे हमारा आंसर आएगा 2200 मीटर। At the end of his motion, the athlete will be in the diametrically opposite position. So displacement is equal to diameter is equal to 200 meter. चलो next second वाला देखते हैं। Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes and 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and the velocities in jogging? First calculate करना है from A to B and second हमें calculate करना है from A to C. चले first वाला calculate करते हैं हम A to B वाला। Distance covered is equal to 300 meter. Displacement is equal to 300 meter. Time taken 150 second. सो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम लेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस उसने 300 मीटर कवर किया है, 300 मीटर को हम 150 सेकंड से डिवाइड करते हैं, सो आवर आंसर इज 2 मीटर सेकंड माइनस पे। एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें तो नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, 300 मीटर को हम 150 सेकंड से कैलकुलेट करेंगे, सेम आंसर आएगा। चलो अब हम मोशन फ्रॉम ए टू सी देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड 300 प्लस 100 बिकॉज यहाँ पर हमें बताया अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। सो 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ए बी माइनस सी बी इज इक्वल टू 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200 मीटर।
time taken 2.5 minute plus 1 minute is equal to 3.5 minute. सो 3.5 मिनट को हम अगर सेकंड से कन्वर्ट करते हैं तो 3 मिनट का हो जाता है, 1 मिनट का होता है 60 सेकंड, तो 3 मिनट का हो जाएगा 3 सिक्सा 60 मल्टीप्लाई 3 करने पर होता है 180, और उसमें ऐड करने पर हो जाएगा हमारा 210 सेकंड। अब एवरेज स्पीड हम देखें तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, 400 को हमें 210 से डिवाइड करना होगा, सो हमारा आंसर आएगा 1.90। और एवरेज वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट से हमें टाइम टेकन को डिवाइड करना होगा, सो 200 मीटर से 210 सेकंड को डिवाइड करेंगे, सो हमारा आंसर इज 0.952 मीटर। सो बेटा ये आप लोगों को दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप लोगों की बुक में लिखना है, क्वेश्चन भी कॉपी करना है, और एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ दो ही आंसर्स समझाए हैं, आप लोग अपनी बुक में इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकअल्लाह।